फरीदाबाद के सेक्टर 15 में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में कई सामाजिक संस्थाओं और जिला प्रशासन के सहयोग से लॉकडाउन के चलते गरीब व असहाय लोगों के लिए पका हुआ भोजन तैयार करके पूरे फरीदाबाद के 40 वार्ड में गरीब लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आज BSA नेशनल न्यूज की टीम ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पर जाकर समाज सेवी हेल्पर क्लब फरीदाबाद उपकार सिंह के सहयोग से वहां की व्यवस्था का जायजा लिया और वहां पर सेवा दे रहे सेवादारों से बातचीत की। आज हम गुरुद्वारा सिंह सभा सेक्टर 15 में खड़े हैं। यहां पर पिछले तकरीबन 1.5 महीने से लंगर की सेवा हो रही है, जो पूरे फरीदाबाद में प्रशासन के साथ मिलकर की जा रही है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ के जो गुरुद्वारा साहब के प्रबंधक हैं सरदार अमरजीत सिंह जी, वो यहाँ की सेवाओं के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये सेवा निरंतर गुरुद्वारा सेक्टर 15 फरीदाबाद दी संगत मिलके उपराला शुरू किया सी, जिदे विच के हुण बहुत सारे होर संस्थावां दा सहयोग निरंतर वधदा जा रहा जारी। शुरू च ये सेवा गुरुद्वारा साहब तो अपने आप 1,000-1,500 बंदियां वास्ते शुरू की गई सी जदों लॉकडाउन होया सी। हुण हौली हौली जदों प्रशासन नू ये महसूस होया कि एक सेंट्रल किचन होवे, क्योंकि बहुत सारी जगह ते खाना बन के फरीदाबाद च वितरण हो रहा सी और किते बहुत ज़्यादा पहुँच रहा सी, किते बिल्कुल नहीं सी पहुँच पा रहा। तो इस चीज़ नू बैलेंस करने वास्ते प्रशासन को कुछ सुझा गए कि एक सेंट्रल किचन जे स्थापित हो जाए तो कोऑर्डिनेटेड वे दे विच सारे शहर की जड़ी जितों तक जरूरत हो, जरूरतमंदों तक ये खाना पक्या होया पहुँच सकेगा। सो गुरुद्वारा साहब को प्रपोजल पहुँची 30 तरीक। तो 30 तरीक 4 बजे साढ़े को प्रपोजल पहुँची सी। तो 31 तरीक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सेक्टर 15 फरीदाबाद एक बहुत वड्डी किचन दे तौर पर, कम्यूनिटी किचन दे तौर पर स्थापित हो गई। रातों रात असी 15-20 तंदूरां दा इंतजाम किया, दाल दे देगचे बनाए तैयार किए ताकि 25-30 हज़ार फूड पैकेट जड़े पैक हो के सारे फरीदाबाद के 40 वार्डों के विच ते होर थोड़े बहुते आउटस्कर्ट्स के विच खाना पक के पहुँच सके। तो संगत का भरपूर सहयोग रहा, जिदे के विशेष योगदान साडे सरदार हरदीप सिंह बांगा जी, श्री अजय जुनेजा जी, ते फिर उस तो इलावा श्रीमती अंशु गुप्ता जो कि सर्वोदया ट्रस्ट दी सर्वोदया फाउंडेशन दे ट्रस्टी ने, उन्होंने बड़े वड्डे पद्धर ते साडे नाल सहयोग देना शुरू किया पहले दिन तो ही, कि उन्होंने अपने स्टाफ दी पूरी टीम लगा के पैकिंग दी व्यवस्था की। तो आहिस्ता आहिस्ता 2-3 दिनों दे विच ए जिहड़ा किचन है अपनी फुल कैपेसिटी दे विच परफॉर्म करन लग्या। ते 15 तरीक दे तक तक पहुँचन तक 15 अप्रैल तक असी इत्थों 40-42 हज़ार फूड पैकेट तैयार करन योग हो चुके सी। फिर उस तो बाद हौली हौली प्रशासन ने जदों सुक्का राशन वंडना शुरू कर दिता तो उन्होंने अपने आप ही ये जिहड़ी वार्डां दे विच जिथे सुक्का राशन वंडिया गया उत्थे अपनी अपनी डिमांड घटाती ताकि जिहड़ा लोग अपना पका के अपने घर खान और जिहड़ा रिस्क है कोरोना वायरस का
कंटेजियस होने करके इनू प्रशासन हुण घटाना चाह रहा है, पर गुरुद्वारा मैनेजमेंट ने तो सरदार हरदीप सिंह बांगा, श्रीमती अंशु गुप्ता, अजय जुनेजा जी ते होर सारे जिहड़े साडे सहयोगी संगत साध संगत है गुरुद्वारा दी, उन्होंने प्रशासन नूं कहा कि असी पिछे नहीं हटांगे, जो रिक्वायरमेंट है वो असी पूरी करदे रहांगे जदों तक तुसी सोचो, लेकिन ये भी जरूरी है कि एहतियात वरते जान और सेफ्टी नूं सारे दी सेफ्टी नूं मुख रखा जाए, क्योंकि चेन रिएक्शन हुंदा है, इस करके असी भी बड़े सतर्क हाँ। असी सिर्फ जोश नाल नहीं होश नाल ही सेवा करनी है, तो इस करके ये सारे जोड़ा जो भी है उपराला चल रहा है, ये स्वच्छता दे, ये सैनिटाइजेशन दे, ये ग्लव्स और मास्क जिथे चाहिए ने जरूरी मात्रा दे विच सारे जड़े इत्थे सेवादार वॉलंटियर लगे हुए ने उन्होंने मुहैया कराए जाते हैं। हर वहीकल जड़ा भी सरकारी वहीकल इत्थे आंदा है उहदी डीसैनिट उहनू सैनिटाइज किया जाता है हर चक्कर ते सवेरे भी शाम नू भी, ताकि कोई भी कंटैमीनेशन की जिहड़ी संभावना है उन्हों मिनीमाइज किया जाए। तो एक बार फिर मैं सारी संगत गुरुद्वारा सैक्टर 15 फरीदाबाद की समूह संगत सारे फरीदाबाद दियाँ जड़ियाँ के बड़े उत्साह दे नाल साडे नाल माया दे तौर ते या फिजिकली या मोरली जुड़ के साडा हौसला अफजाई कर रहे ने, उन्हां दा धन्नवाद करदा। ते स्टेट जिहड़ी साडी फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हां दा भी काबले तारीफ जिहड़ी सेवा है कि वह इत्थों पक्या होया खाना लिजा के जरूरतमंदां दे च हर रोज़ लंच ते डिनर दोनों ही सवेर दा और शाम दा खाना पहुँचाते ने, बड़े सुचजे तरीके दे नाल वरता रहे ने, उन्हां दा बहुत वड्डा सहयोग है। तो डीसी साहब ने भी ये संगतां दी विशेष सराहना की कि क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन नूं ये हंगर दा जिहड़ा विषय है जिन्हों के कदी भी इग्नोर नहीं सी किया जा सकता, उन्हों गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दियां संगतां ने ते होर जिहड़ियां जुड़ियां हुई संस्थावां ने फाउंडेशनज ने, विक्टोरा फाउंडेशन, जुनेजा फाउंडेशन, फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसीएशन, सर्वोदया फाउंडेशन ते होर जड़े रोटरी क्लब्स, उन्हां दा धन्नवाद किया कि तुसी ये फ्रंट संभाल लिया, तो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जड़ी करोना नाल लड़न दी जड़ी कैपेसिटी ते कैपेबिलिटी इंप्रूव करके अज अपने आप नूं बड़े मजबूत स्थिति दे विच पा रही है। तो इन्हां शब्दां नाल फिर सारिआं दा धन्नवाद, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जैसा कि सरदार अमरजीत सिंह जी ने बताया कि यहाँ पे तकरीबन 40 दिन के करीब हो चुके हैं ये सेवा चल रही है, तो नौजवान मेरे साथ गुरप्रसाद सिंह जी भी खड़े हैं जो कि इसमें बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि गुरप्रसाद सिंह जी अपने विचार दें, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि पूरे फरीदाबाद में राजू दाल वाले मशहूर हैं जो कि पूरे फरीदाबाद को अगर ज़रूरत पड़े तो अन्न के मामले में भूखा नहीं मरने देंगे। इनके पास बहुत बड़ी टीम है और हमारे पास सिख भाईचारे की भी बहुत ज़्यादा सेवाएं करने वालों की टीम है जिसकी वजह से ये सारी सफलता हो पा रही है। तो तकरीबन 40-42 हज़ार लोगों का खाना बनाना रोज़ आप कैसे बना पा रहे हैं, थोड़ा सा आप बताओ आपको किस किस का सहयोग मिल रहा है और कोई किसी तरह की परेशानी है तो वो भी बताइए। सात संग जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परेशानी तो कुछ भी नहीं है, गुरु घर में
बहुत ही कृपा है हमारे सदगुरुओं की। मुझे जो प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा सिंह सभा सेक्टर 15 ने सौंपी थी, एक तरीक से आज तक लगभग 40-45 हज़ार बंदों का खाना, संगतों का खाना, प्रसाद जिसको हम बोलते हैं, वो जगह जगह पे पहुंच रहा है। प्रशासन ने बहुत ही हमारा सहयोग किया, जगह जगह पे उन्होंने बंदों को गेट पे रोका और कोई भी हमारे को दिक्कत परेशानी नहीं आई, और वो भी डेली चेकअप के लिए हमारे वहाँ से भेजते हैं, हमारे चेक करते हैं हमारे को। और सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो ये प्रसाद बन रहा है, यहाँ से सुबह और शाम दोनों टाइम चेकअप के लिए खिचड़ी भी, दाल भी और प्रसाद भी यहाँ से डिब्बी में पैक होके चेक होने के लिए जाते हैं, ताकि वो अपनी क्वालिटी अपनी चेक कर सकें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा सारी साध संगत से कि हमारे गुरु साहब ने, श्री गुरु नानक देव जी ने सिर्फ 20 रुपए में ये लंगर तैयार किया था। जो उसको पिताजी ने भेजा भाई ये सामान ले आ, और उन्होंने वो 20 रुपए का लंगर लगाया। अगर वो 100 रुपए का लंगर लगाते तो आज ये पूरा संसार 100 रुपए का लंगर खा रहा होता। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, राजू गांधी दाल वाला 2 नंबर ई ब्लॉक, सारी संगतों का, सारे समूह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे साहब ये आए हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत, मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी तक मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो मैं अनजान हूँ, गुरु साहब मुझे माफ़ करेंगे और गुरुद्वारा साहब भी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये देखा आपने निम्रता, कोई गलती नहीं करते ये, लेकिन फिर भी इस गुरुद्वारे साहब के अंदर जो आ जाता है उसके अंदर इतनी निम्रता आ जाती है कि गलती ना होने के बावजूद भी अपने आप को नीमा दिखाता है कि अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।